नजरिने ग्रामी, क्या आपने ये सुना है कि किसी खातून के अपने घोड़े के साथ जिंसी ताल्लुकात भी हो सकते हैं? यकीनन ये सुनते ही आप हैरानों परेशान रह जाएंगे कि ये किस तरह की हकीकत है और ये कैसी बात की जा रही है। लेकिन ये एक हकीकी और सच्चा वाकया है जो कि मगरबी दुनिया से सामने आया है। इसकी तमाम तर तफसीलात से आज की इस वीडियो में आपको आगाह किया जाएगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना भी मत भूलिएगा। नजरिने ग्रामी, ये खातून जो हर रात अपने घोड़े के साथ सोया करती है, इसका नाम क्या है, इसका ताल्लुक कहाँ से है और किस तरीके से ये खातून अपने घोड़े के साथ ताल्लुक को कायम किए हुए है, इस पर आज की वीडियो में तफसील से बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले ये हकीकत वाजे रहे कि मगरबी दुनिया के मुतल्लिक एक माकूला बहुत मशहूर है कि यूरोप में जो सर का ताज यानी किसी भी खातून का शौहर हो, खातून उसे तो कुत्ते के बराबर भी इज्जत नहीं देती लेकिन अपने कुत्ते को अपने सर का ताज बनाकर रखती है। ये वाकई एक हकीकत है कि यूरोपीय दुनिया के अंदर जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव रखा जाता है, उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत की जाती है और उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। यहाँ तक कि जब भी आप कोई मगरबी दुनिया में बनाए जाने वाली फिल्म देखते हैं तो इसमें खास तौर पर ये लिखा जाता है और इस बात का ख्याल भी रखा जाता है कि इस फिल्म की रिकॉर्डिंग और शूटिंग के दौरान किसी भी जानवर को कोई नुकसान न पहुँचे। और अगर सेंसर बोर्ड को इस बात का अंदाजा हो जाए और खास तौर पर जानवरों के लिए बनाए जाने वाले खास इदारों को इस बात का पता चल जाए कि किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग और शूटिंग के दौरान जानवरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो न सिर्फ इस फिल्म की कास्ट बल्कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस का आगाज कर दिया जाता है, जिससे ये वाजे होता है कि मगरबी दुनिया के अंदर जानवरों के हकूक पर किस कदर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। और नजरिने ग्रामी, हम ये भी देखते हैं कि अमरीका और यूरोपीय दुनिया के अंदर हर घर में कुत्ता या बिल्ली जरूर मौजूद होती है लेकिन उस घर के बुजुर्गों को और उस घर में रहने वाले ज़ईफ लोगों को ओल्ड एज होम छोड़कर आ जाते हैं ताकि वहां पर उनका ख्याल रखा जाए। लेकिन नौजवान लोग अपने कुत्ते और बिल्ली का ख्याल रखना ज्यादा पसंद करते हैं और सिर्फ कुत्ते और बिल्लियां ही नहीं बल्कि मगरबी दुनिया के अंदर गुज़िश्ता कुछ दहाइयों से घोड़े के साथ भी मोहब्बत अजीब किस्म की बढ़ती चली जा रही है और इसमें खास तौर पर नौजवान लड़कियां शामिल हैं। यूरोपीय दुनिया में नौजवान लड़कियां अपने लिए खास तौर पर घोड़े पालती हैं और उनका घोड़ों से लगाव भी अजीब किस्म का होता है। घोड़ों से अरब लोग तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और अरबों में घोड़े एक तोहफे के तौर पर समझे जाते हैं जो कुदरत की जानिब से इंसान को अता किया गया है। घोड़ा और इस तरह के दीगर जानवर हर वक्त इंसान के काम आते हैं, ये इंसान के सफर करने के काम आते थे। इसके अलावा जंगों में भी घोड़े शरीक हुआ करते थे और अब घोड़ों को खास तौर पर शौक के लिए पाला जाता है। और अगर घोड़े की बात की जाए तो इसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये शरीफ और घमंडी जानवर होता है, ये अपनी ताकत, अपनी जरूरत और अपनी सलाहियत के मुतल्लिक जानता है लेकिन ये हर किसी के साथ मानूस नहीं होता बल्कि जो कोई घोड़े को पालता है तो बस ये अपने मालिक के साथ ही ज्यादा मानूस होता है और उसी को अपने करीब आने देता है। यही वजह है कि किसी नौजवान घोड़े की पुश्त पर बैठना वाकई एक इंतहाई मुश्किल काम है जिसके लिए किसी माहिर घुड़सवार का होना बहुत जरूरी है। अब अगर मगरबी दुनिया से सामने आने वाले इस वाक्य की बात की जाए तो ये बर्तानिया का वाक्य है जहाँ पर कैथलीन नामी इस खातून ने अपने घर के अंदर ही कई लाख डॉलर खर्च करके एक अस्तबल बना रखा था जहां पर उसने कई तरह के अरबी नायाब नस्ल के घोड़े भी पाल रखे थे। लेकिन इस खातून का एक सबसे ज्यादा पसंदीदा घोड़ा जिसका नाम ऑर्गलीन था, ये इस खातून को बहुत ज्यादा पसंद था। इसने बचपन से इस घोड़े को पाला था और हमेशा इसके साथ ही रहा करती थी, यहाँ तक के बाकी सब घोड़े तो अस्तबल में रहा करते लेकिन कैथलीन चूंकि एक अमीर जादी थी लिहाजा उसने अपने घर के अंदर अपने कमरे के अंदर
और गलीम के अपने साथ सोने का इंतजाम कर रखा था और हर रात ये अपने इस खास पसंदीदा घोड़े को अपने कमरे के अंदर ले जाती और उसके साथ सोया करती थी और फिर तस्वीर बनाकर इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड भी करती और घोड़ों से अपनी मोहब्बत का इजहार करती। लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से ये बातें की जाने लगी कि इस खातून के घोड़े के साथ नाजायज जिंसी ताल्लुक है, जिस पर कैथलीन की जानिब से बारह दफा वाजे करने की कोशिश की गई कि लोग जैसा सोचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुसलसल इस खातून पर ये इल्जाम लगता रहा और ये इल्जाम इसलिए लगता रहा कि अगर कोई खातून घोड़े को इस तरह अपने कमरे में ले जाए और फिर एक दो बार नहीं बल्कि रोजाना ही उसके साथ सोए तो लोग इसके मुतल्लिक ऐसा ही सोचेंगे। अब इसकी हकीकत क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कैथलीन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वाजे कर चुकी है कि मेरी सिर्फ घोड़े से मोहब्बत ज्यादा है, इससे लगाव ज्यादा है और इससे ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं है। नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? और जब आप ये सुनते हैं कि किसी के घोड़े के साथ ताल्लुकात कायम हो या इतना ज्यादा लगाव हो तो आपके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नाज़रीन गिरामी, ये बात भी याद रहे कि घोड़े के अलावा दीगर जानवरों का ख्याल रखना भी ये सिर्फ किसी एक दुनिया के हिस्से या मगरबी दुनिया और ईसाइयों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम भी हमें जानवरों पर रहम करने की तलकीन करता है। हमें जानवरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, उनकी जरूरियात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो बेजबान होते हैं, वो अपनी जरूरत का इजहार नहीं कर सकते। लिहाजा इंसान को ये चाहिए कि अगर अपने घर पर पालतू जानवर पाले तो उसकी जरूरियात का ख्याल रखे, उसे अपने घर का एक फर्द समझते हुए उसको अच्छा खाना मुहैया करे, रहने के लिए अच्छी जगह दे और उसके तमाम तर हकूक को पूरा करे। यही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है कि इंसान जब उसकी पैदा करदा दूसरी मखलूक पर रहम करता है और उससे प्यार से और नरमी से पेश आता है तो अल्लाह भी आप पर अपना करम करता है और आपके साथ नरमी से पेश आता है। अल्लाह ताला हम सबको जानवरों के हकूक पूरे करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो और इसका पैगाम आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।